में आज हम लोग विभिन्न एग्जामों में आए हुए ड्राइंग इक्विपमेंट, ड्राइंग उपकरण के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी आरएफ, आरएफ मतलब होता है फ्रेंड रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, और हिंदी में इसका नाम होता है निरूपक भिन्न, निरूपण भिन्न बराबर होता है ड्राइंग में वस्तु की माप अपान की, वस्तु की वास्तविक माप होती है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, आरएफ घटता पैमाना रेखा चित्र को दर्शाता है। घटता पैमाना जो होता है इसको हिंदी में हम लोग इंग्लिश में जो है रिड्यूसिंग स्केल के नाम से जानते हैं। तो रिड्यूसिंग स्केल का जो आरएफ होता है वो हमेशा एक से कम होता है, एनलार्जिंग का हमेशा एक से ज़्यादा होता है, और मीडियम स्केल का एक होता है। तो यहाँ पे देखिए एक से कम कौन सा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है। तो ऑप्शन बी जो है एक से कम को दर्शाता है, 1/20 जब आप इसमें भाग देंगे तो वो हमेशा एक से कम आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। एरिया ऑफ एन A0 साइज ड्राइंग शीट इज क्लोज इट। तो आप जानते हैं कि A0 साइज की जो ड्राइंग शीट होती है इसकी माप आप 841 × 1189 होता है, और दोनों जो माप है mm में है। तो इसकी जो एरिया होती, मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय कि 1 m² के करीब होता है। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज नॉट द साइज ऑफ ए स्टैंडर्ड ट्रिम ड्राइंग शीट। तो आइए देखते हैं कौन सा स्टैंडर्ड ट्रिम, जो निम्नलिखित में से ट्रिमित मतलब होता है आपका कटी हुई आरेखन शीट का मानक आकार कौन सा नहीं है। तो जो हमने आपको साइज बताया था वो ट्रिम साइज ही बताया था। तो आप लोग जान रहे हैं कि A0 का जो माप होता है 841 × 1189 होता है, और A1 का 594 × 841, और A2 का 420 × 594 होता है, लेकिन 420 × 596 दिया है, ऐसा माप कहीं नहीं होता है ड्राइंग शीट में, इसलिए ऑप्शन बी आप यहाँ का राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। BTU ड्राइंग बोर्ड का क्या परिमाप है। तो दोस्तों, मैंने आपको ड्राइंग बोर्ड को डिनोट करने के लिए डी लेटर का इस्तेमाल किया था, लेकिन कभी कभी ड्राइंग बोर्ड को बी से भी डिनोट करते हैं। तो आप जानते हैं B0 का माप जो होता है 1500 × 1000 × 25 होता है, और जो B1 होता है 1000 × 700 × 25 होता है, और जो B2 होगा 700 × 500 × 15 होगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रंगीन ड्राइंग शीट की क्या लिमिटेशन है। मैंने आपको दोस्तों बताया था कि जब रंगीन शीट पे आप ड्राइंग करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें पेंसिल का उभार नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए यह रेखाओं के उभार में बाधक होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A2 ड्राइंग शीट का परिमाप क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि A1 ड्राइंग शीट का जो माप A0 ड्राइंग शीट का माप 841 × 1189, A1 का 594 × 841 तथा A2 का 420 × 594 होगा। तो 420 × 594 ऑप्शन ए जो होगा आपका यहाँ पे राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ड्राइंग शीट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। तो मैंने आप लोग को दोस्तों बताया था कि ड्राइंग शीट के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात एक संबंधे √2 होता है। जब आप 841 संबंधे 1189 को निकालेंगे आपको यही रेशियो प्राप्त होगा। तो ऑप्शन सी इसमें से राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। घड़ी के पुर्जों की ड्राइंग बनाने के लिए आप किस मापनी का प्रयोग करेंगे। चूंकि दोस्तों घड़ी का जो पुर्जे होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, जब इसका हम लोग ड्राइंग बनाएंगे तो बड़ा करके बनाते हैं, तो ऐसे स्केल का जो प्रयोग करते हैं यहाँ पे स्केल, उसको हम एनलार्जिंग स्केल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन भी यहाँ पे आपका क्या होगा, राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। B2 ड्राइंग बोर्ड का क्या परिमाप होता है। फिर से देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया। तो B2 ड्राइंग बोर्ड का माप जो होता है 700 × 500 × 15 होता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका यहाँ पे, राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप किस परिणाम के ड्राइंग बोर्ड का पर काम करते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जो स्टूडेंटों द्वारा अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है और सीट जो होता है वो A2 होता है,
और ड्राइंग बनाने के लिए, और जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो B2 होता है या D2 होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। अगर दोस्तों आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके ड्राइंग का वीडियो देखें, और डेली का डेली आपको वीडियो मिलेगा। आज टेक्निकल गड़बड़ी होने के कारण वीडियो नहीं मिल पाया। ड्राइंग बोर्ड कई आकार के होते हैं, D2 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज चुनो। तो आप जानते हैं D0 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होगा? 1500 × 1000 × 25 होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंच कर्व का प्रयोग क्या करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं? तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल जो होता है अनियमित कर्व बनाने के लिए किया जाता है। तो किसी किसी भी तरह का कर्व, अर्थात कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में कौन सा फ्रेंच कर्व है? तो यहाँ पे देखिए, जो ए ऑप्शन है ये क्या है आपका, दोनों आपका यहाँ पे सेट स्क्वायर है, बी जो है स्केल है, और डी जो है प्रोटेक्टर है, और जो यहाँ पे सी है यही हमारा क्या है, फ्रेंच कर्व है, जिसके द्वारा अनियमित कर्व या कई किसी भी प्रकार के हम लोग कर्व का बना सकते हैं। पेंसिल के नोक में मुख्य संघटक कौन से होते हैं? तो दोस्तों आपका जो मैंने पेंसिल वाला टॉपिक डिस्कस किया है अलग से, पेंसिल में जो होते हैं ग्रेफाइड और क्ले होता है। तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पे राइट होगा। क्ले क्ले पर इसकी कठोरता डिपेंड करती है। क्ले को कालीन या चीनी मिट्टी भी कहते हैं। चलिए, निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है? तो दोस्तों आपको मैंने एक श्रेणी बताया था, मुलायम यहाँ पे सबसे मुलायम पूछा है आपको। एक सीरीज मैंने बताया था, 9S से लेके 4S तक जो होता है हार्ड हार्ड पेंसिल होती है, और 4S से लेके B तक जो होता है मध्यम होता है, और उसमें अलग से एक F पेंसिल भी होती है, और जो हमारा तीसरा जो होता है सॉफ्ट पेंसिल वो होता है 2B से लेके 7B तक। तो इसमें सबसे आपका मुलायम पूछा है। तो जब आपको इस क्रम में आप व्यवस्थित करेंगे तो सबसे आपका मुलायम जो पेंसिल हो जाएगी वो हमारी ए हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो पेंसिल का टॉपिक जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर निम्न में से किस उपकरण के अतिरिक्त बाकी सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है? तो आपको मैंने मिनी ड्राफ्टर बताया था कि मिनी ड्राफ्टर किस कितने प्रकार, चार एलिमेंट का, चार उपकरण का काम अकेले कर सकता है। किसका? टी स्क्वायर का, और स्केल का, प्रोटेक्टर का, और आपका सेट स्क्वायर का। तो इसमें से वो कंपास का काम नहीं कर सकता है। कंपास का यूज किस लिए हम लोग करते हैं? कंपास का यूज वृत्त और कर्व बनाने के लिए करते हैं, तो इसका काम ये नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। मिनी ड्राफ्टर की दो भुजाएं किस कोण पर जुड़ी होती हैं? तो मैंने अभी कल कल के वीडियो में ही दोस्तों आप लोग को बताया था, अच्छे प्रकार से मिनी ड्राफ्टर को समझाया था। मिनी ड्राफ्टर की जो दो भुजाएं होती हैं एक दूसरे से 90° के कोण पे जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटेक्टर का प्रयोग नापने में होता है। आप जानते हैं प्रोटेक्टर दो प्रकार का हो सकता है, सर्कुलाकार हो सकता है, वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार। तो उसमें जो कोण होते हैं आपके डिग्री में कोण होते हैं, अंश सेल्सियस अंश में होते हैं डिग्री में। और तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा ये राइट होगा। और 100 सेमी वाला प्रोटेक्टर अधिकतर यूज किया जाता है। एबोनी क्या होता है? तो वर्किंग एज होता है ड्राइंग बोर्ड पे, जिसपे कि क्या होता है टी स्क्वायर चल के, टी स्क्वायर को मूव करा के हम लोग क्षैतिज रेखाएं खींचते हैं। वर्किंग एज ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगी एक पट्टी होती है। तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पे राइट होगा। मैंने इसको भी अच्छे प्रकार से समझाया है। नीचे दिए गए उपकरण का नाम क्या होगा? तो आप देख रहे हैं नीचे गए उपकरण एक चांदा या प्रोटेक्टर कहलाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो सेट स्क्वायर के द्वारा कई कोण बना सकते हैं, दी गई आकृति में ए का मान क्या होगा जब दो सेट स्क्वायर 45 और 60 30 अंश के होते हैं? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ए का मान पूछा है। तो आपका नीचे वाला प्रोटेक्टर जो है 45 अंश 45 अंश का है, तो ये वाला जो कोण होगा आपका इतना, केवल इतना, ये 45 अंश का होगा, और जो ए वाला छोटा सा कोण होगा ए वाला, ये आपका 30 अंश का होगा। तो 45 अंश और 30 अंश एक 75 अंश हुआ। और हमारा जो यहाँ पे एक रेखा पे ये पूरा कोण बनता है
वो 180 अंश का बनता है, तो 75 अंश में 180 में से 75 को घटा देंगे तो 105 अंश आपका आंसर आएगा। तो आइए मिलाते हैं क्या आंसर में ऑप्शन है या नहीं है। तो देखिए आंसर में ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित टी स्क्वायर के यक्ष भाग का नाम बताइए। तो आप देख रहे हैं यक्ष भाग को हम लोग क्या कहते हैं, हेड या स्टाक या शीर्ष बोलते हैं। तो शीर्ष या हेड इसका होगा, कभी कभी इसका आपसे पूछ दे तो इसको हम लोग ब्लेड या पटल बोलते हैं। तो ये क्या है, शीर्ष है आपका, स्टाक है, तो बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए चित्र में एक सेट स्क्वायर प्रदर्शित किया गया है, उस सेट स्क्वायर के कोण अल्फा का मान बताइए। तो आप देख रहे हैं जो हमारा सेट स्क्वायर होता है वो त्रिभुजाकार होता है, और आप ये जान रहे हैं कि 30 अंश और 60 अंश का सेट स्क्वायर यहाँ पे दिखाया गया है। वैसे भी अगर नहीं पता रहेगा तब भी आप निकाल देंगे। त्रिभुज के तीनों अंश कोणों का मान 180 अंश होता है, ये दो का मान 120 हो गया, तो शेष कितना होगा, 60 अंश होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो होगा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेट स्क्वायर का प्रयोग विभिन्न कोण बनाने हेतु किया जाता है, यहाँ पे अल्फा का मान आपसे पूछा गया है, ये 45 अंश वाला 45 अंश सेट स्क्वायर है, अर्थात यहाँ का कोण, और यहाँ का कोण 45 अंश है। तो एक रेखा पर जानते हैं आपकी 180 अंश का कोण बनता है, तो 180 अंश माइनस 45 हो जाएगा, जब आप घटाएंगे तो 135 आंसर आएगा। तो ऑप्शन ये यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह उपकरण है जिस पर ड्राइंग शीट संयोजित की जाती है, तो वह उपकरण कौन सा है आपका। तो ड्राइंग शीट को कहाँ पे लगाया जाता है, ड्राइंग बोर्ड पे लगाया जाता है। तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पे राइट होगा। चित्र में प्रदर्शित ड्राइंग बोर्ड के यक्ष भाग का नाम बताइए। आइए देखते हैं यक्ष भाग, देखिए ये ड्राइंग बोर्ड का उल्टा हुआ फिगर आपको दिखाया गया है दूसरे साइड का। तो ये जो होता है हमारा इबोनी होता है, इबोनी वर्किंग एज जो होता है ड्राइंग बोर्ड पर उसे इबोनी बोलते हैं। ये जो हमारा पार्ट जो दो दिखाई दे रहा है स्ट्रिप, इसे हम बैटन के नाम से जानते हैं। और जो ये सब दिखाई दे रहे हैं जितने पूरे, ये सब स्ट्रिप कहलाते हैं। तो जो यक्ष भाग है हमारा यहाँ पे क्या है, इबोनी है, इबोनी एज। ओके ऑप्शन सी राइट होगा। ड्राइंग बोर्ड के चिन्हित भाग यक्ष का मान बताइए, यक्ष का नाम बताइए। तो यहाँ पे भी देखिए इबोनी एज को दिखाया गया है, लेकिन ये ड्राइंग का सीधा भाग है, सीधा ड्राइंग बोर्ड है यहाँ पे। ओके फ्रेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका भी आंसर क्या होगा, इबोनी एज होगा या वर्किंग एज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्राइंग बोर्ड के चिन्हित भाग यक्ष का मान बताना है यहाँ पे। तो आप जान रहे हैं ये जो दोनों हैं ये इन स्ट्रिपों को सहारा देने के लिए लगाए जाते हैं, जो ये स्ट्रिप आपको दिखाई दे रहे हैं सभी। और तो इनका इनका जो नाम होता है बैटन होता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में बैटन है कि नहीं। तो ऑप्शन ए क्या है, बैटन है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। चित्र में दर्शाए गए टी स्क्वायर पर चिन्हित ए का नाम बताइए। तो आप जान रहे हैं कि इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष हेड स्टाक कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लेड या पटल कहते हैं। तो ऑप्शन आप लोग चेंज कीजिए, ब्लेड या पटल। तो ऑप्शन से यहाँ पे राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेंसिल की लेड की हार्डनेस इस पर निर्भर करती है। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था पेंसिल वाले कि इसका हार्डनेस जो होता है वो क्ले के मात्रा या कालीन के मात्रा पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ये आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। प्रोटेक्टर से कितनी शुद्धता में कोण मापे वह बनाए जा सकते हैं। तो आप जान रहे हैं प्रोटेक्टर जो होता है अर्धवृत्ताकार या वृत्ताकार होता है, जिसमें कि सबसे छोटा अंश क्या होता है, सबसे छोटा भाग जो होता है एक अंश होता है, सेल्सियस नहीं दोस्तों, वे भूल कर निकल जा रहा है, एक अंश केवल होगा, ये डिग्री में पे। तो एक अंश उससे अच्छी प्रकार से मापा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेंसिल की नोक में मुख्य संघटक कौन से होते हैं। तो कंपोजिशन जो होता है पेंसिल के नोक का, लीड का, वो ग्रेफाइट व क्ले से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कही जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अमोनिया पेपर पे बनी हुई ड्राइंग को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक उपकरण जिसमें टी वर्ग, समुच्चय वर्ग अर्थात की सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर एंड स्केल सभी का काम कर देता है, उसे हम लोग मिनी ड्राफ्टर के नाम से जानते हैं, जो आपको मैंने मिनी ड्राफ्टर वाले
वीडियो में समझाया है बहुत अच्छी तरह से, तो ऑप्शन है यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा समूह सेट स्क्वायर में नहीं होता है? मैंने आपको दोस्तों बताया था सेट स्क्वायर के द्वारा 15 अंश के मल्टीप्लाई पे कोई भी कोण आप बना सकते हैं। तो 15, सॉरी फ्रेंड, निम्न में से कौन सा समूह सेट स्क्वायर में नहीं होता है? तो आप जान रहे हैं सेट स्क्वायर जो होता है 45 अंश, 45 और 90 अंश वाला होता है, और 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश का होता है। दो सेट स्क्वायर होते हैं, जबकि ये अपना नहीं होता है ये वाला। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इस प्रकार से देखिए फ्रेंड, आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए।